अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरे साथ आज एक और भाई बैठे हुए हैं जिनका जी यूएसए का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं इनका अप्रूवल पेपर दिखा दूँ। ये है जी अप्रूवल पेपर। अब मैं बताता चलूँ, इस भाई का पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, हमारे से ही वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी सिर्फ एक इजिप्ट की थी, वो भी अब बनाई जाके पहले इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खोली। यूएई में जी ये बुचर कसाई जिसको बोलते हैं ये वो है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी जो लो प्रोफेशन कैटेगरी है या लो प्रोफेशन तबके वाले हैं वो नहीं जा सकते क्या। तो ये भाई एग्जांपल है उन सब के लिए, हर बंदा एलिजिबल है, हर बंदा जा सकता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आर्टिस्ट लोग गए हैं, जिसमें टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन इन सब के वीज़ा लगे हैं। तो आज भाई हैं जो बुचर हैं इनका वीज़ा लगा है 5 ईयर मल्टीपल एंट्री पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। देखें पाकिस्तानी पासपोर्ट भी आपको पता है 5 ईयर ही मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगता है। और इनकी ख़ास बात एक चीज़ बता चलूँ, पहले से रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा फिर अगेन वीज़ा अप्लाई किया। जिस दिन रिफ्यूज़ हुए थे उसी दिन मेरे पास पूछा इन्होंने क्या करना चाहिए मुझे। अब मैंने इनको बोला कि आप अगेन वीज़ा अप्लाई करें, अपॉइंटमेंट ले लें और उसको हम रीशेड्यूल बाद में देख लेंगे, आप इसी ड्यूरेशन के अंदर एक आधा छोटा कंट्री ट्रैवल कर लो। तो भाई ने मेरे कहने पर एक इजिप्ट ट्रैवल कर लिया। उसके बाद जब इनकी अपॉइंटमेंट आई, क्योंकि एक बार ऑलरेडी एम्बेसी फेस कर चुके हुए थे। बात ये होती है जब आप एम्बेसी में फर्स्ट टाइम जाते हो, बहुत सारे लोग कुछ नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं चलता एम्बेसी में क्या कैसे बिहेव करना है। जब फर्स्ट टाइम वो अटेंड होकर निकलते हैं, अगर इन केस रिफ्यूज़ भी हो जाए, उनको इतना पता चल जाता है अंदर जाके कि अंदर कुछ नहीं है, उन्होंने बेसिक किस्म के क्वेश्चन करने हैं, इस तरह का एटमोसफेयर है, अंदर जाके हमने बिहेव कैसा करना है। तो जो बंदा अंदर से होके वापस आता फिर नेक्स्ट खुद कहता है कि यार मेरा अगेन वीज़ा अप्लाई करो, मैंने अंदर के सारे मामला देख लिए, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ पहले की निस्बत ज़्यादा, मैं जाके इंटरव्यू दे सकता हूँ, क्वेश्चंस मैंने तैयार कर लिए हैं सारे। अब कुछ क्वेश्चंस हम इनको मजीद बताते हैं। वो तैयार करने के बाद ये गए अगेन, इन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा हासिल किया। मैं भाई से पूछ लूँ अगर के भाई इन्होंने एम्बेसी में सवाल क्या किया था, क्या क्या क्वेश्चन किए हैं आपसे? बस सिंपल क्वेश्चन किए हैं कि क्या करते हो यहाँ पे, कहाँ जाना चाहते हो, इसी सिलसिले बस यही पूछा। बस यही। कितने साल से पूछा वहाँ पे, कितने साल से? तो 20 साल से यहाँ। अच्छा, वहाँ पे जाके क्या करना है ये सारी चीजें पूछी, बेसिक किस्म के क्वेश्चन, बेसिक सवाल। कितने मिनट का इंटरव्यू था? तकरीबन छह से सात मिनट का। हाँ, 6 से 7 मिनट, 2 से 4 मिनट का इंटरव्यू नॉर्मली होता है। अगर किसी का ज्यादा इंटरव्यू चला जाए 5 से 6 मिनट या 7 मिनट, इतना इंटरव्यू होता है वो भी हार्डली। तो उसी में आपका पासपोर्ट रख लिया रहता है और 2-3 दिन में आपका पासपोर्ट रिटर्न कर दिया जाता है एमिरेट्स एम्पोस्ट के थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों, ये इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जस्ट पासपोर्ट चाहिए आपका और कुछ नहीं चाहिए। पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट ले लिया आपने और आपका पास एक अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, DS-160 कन्फर्मेशन हो, सिर्फ ये तीन चीज़ें हो तब भी आप जाके इंटरव्यू दे के वीज़ा ले सकते हो। मैं भाई को कंग्रेचुलेशंस बोलूँगा, भाई कंग्रेचुलेशंस टू यू, आज आपको ये वीज़ा मिला, हमारे पास आए, हमसे हमारी सर्विसेज ली, हम पे बिलीव किया। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।